फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस पे। फ्रेंड्स, अगर आप नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां पर स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए आपको यहां से काफ़ी मदद मिल सकती है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग सोशियोलॉजी में इधर 10th यूनिट, 9th और 8th यूनिट को कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 6th यूनिट के कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देख रहे हैं। 7th यूनिट पिछले बार हम लोगों ने कवर की थी, ठीक है। और इधर जो सोशियोलॉजी के लिए 2020 के लिए जो वीडियोज़ आ रही हैं, जिनमें फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है नीचे 2020, तो उनमें उन टॉपिक्स को कवर कराया जा रहा है जिन्हें पिछले बार यानी 2019 दिसंबर एग्ज़ाम में जो वीडियोस आ रही थी, तैयारी कराई जा रही थी आप लोगों को, तो उनमें जिन टॉपिक्स को कवर नहीं कराया गया था तो उन्हें इधर 2020 में कवर कराया जा रहा है। साथ ही जो 2019 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था नेट का, सोशियोलॉजी का, तो उसमें जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं तो उनको भी ध्यान में रखते हुए इधर 2020 के लिए सोशियोलॉजी में आपके लिए वीडियोस आ रही हैं। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। आपको वहां पर फर्स्ट पेपर और इसके अलावा सोशियोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोस सभी मिल जाएंगे। इन सभी को आप अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। इन सभी से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6th यूनिट में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कम आवश्यक वस्तुओं से अधिक आवश्यक वस्तुओं की अदल बदल को विनिमय कहते हैं, ऐसा किसने कहा है? मार्शल ने, प्रोफेसर जेवेंस ने या फिर प्रोफेसर मेहता ने? तो यहाँ पर राइट आंसर प्रोफेसर मेहता है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर प्रोफेसर मेहता ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक द गिफ्ट में जनजातियों के संदर्भ में उपहार की अवधारणा का वर्णन किया है? मार्शल, मॉर्स, मेलोनोवस्की या फिर पार्सन्स? तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्शल मॉर्स हो जाएगा। इन्होंने जो उपहार की जो कॉन्सेप्ट दिया था उपहार का, और इसे जो है जनजातियों के संदर्भ में दिया है, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जो जनजातियां हैं विभिन्न अवसरों त्यौहारों पर जो आदान प्रदान करती हैं और उसमें जो उपहार होते हैं, ठीक है, जनजातियों में जो उपहारों की अदला बदली होती है, जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, जो मार्शल मॉस है उन्होंने उसके उपहारों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व के बारे में उन्होंने इस पर बात की थी, ठीक है, इस बुक में। तो यहाँ पर द गिफ्ट बुक किसकी हो जाएगी? मार्शल मॉस की। और ये कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए तो भी ये किसका है? मार्शल मॉस का है। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संगठन की वह प्रणाली जिसमें मुक्त उद्यम, प्रतिस्पर्धा और संपत्ति का निजी स्वामित्व समानता प्रबल होता है, ऐसा किसका कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर प्रोफेसर आर टी बाथी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संपत्ति की विशेषता है? संपत्ति पर निजी स्वामित्व, निजी लाभ का स्वरूप, मुक्त स्पर्धा या फिर ऑप्शन डी, ये सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी संपत्ति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, मेलोनोवस्की ने कितने प्रकार की विनिमय यानी उपहार व्यवस्था की चर्चा की है? 8, 6 या फिर 9? तो यहाँ पर राइट आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं मेलोनोवस्की ने ट्रोबनेट द्वीपवासियों पर फील्ड वर्क किया था, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पर जो विनिमय व्यवस्था है उपहार पद्धति का अध्ययन किया था और उन्होंने 6 प्रकार के विनिमय व्यवस्था और उससे संबंधित उपहारों की बात की थी, जिसमें गिमवाली थी, उरीगुबू थी, कुला थी, पोकला, मेवला और गिमाय थी, ठीक है। तो ये कुछ थे 6 उपहारों की जो बात की थी, ये उनके नाम बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर 6th हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th, संपत्ति का अर्थ वस्तुओं पर मनुष्यों के नियंत्रण से है, ऐसे नियंत्रण से समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तथा जिसे समाज मान्य और मूल्यवान समझता है, तो ऐसा किसने कहा है?
डेविस, हॉबहाउस या फिर जिन्सबर्ग। तो यहाँ पर आपका सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर हॉबहाउस हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप के भाग इनमें से नहीं है? तो विशुद्ध सार्वजनिक, विशुद्ध निजी या फिर विशुद्ध समाजवादी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशुद्ध समाजवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉबहाउस ने संपत्ति को कितने भागों में बांटा है, 3, 2 या फिर 5? तो यहाँ पर आपका जो एट्थ क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 भागों में इन्होंने संपत्ति को विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व सरकार का हाथों में होता है तो कहा जाता है इसे समाजवादी व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी व्यवस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर समाजवादी व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन ए 9th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता है, इसमें संपत्ति पर निजी स्वामित्व, निजी लाभ का लक्ष्य, मुक्त स्पर्धा, आर्थिक गतिविधियों पर राजकीय नियंत्रण। तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करनी है तो संपत्ति पर निजी स्वामित्व हो जाएगा, निजी लाभ का लक्ष्य हो जाएगा और आर्थिक गतिविधियों पर राजकीय नियंत्रण हो जाएगा, यानी यहाँ पर 10th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th है, ये कथन वाला है। कथन है, सामान्यतः संपत्ति का अर्थ भौतिक वस्तु पर स्वामित्व से लिया जाता है, कारण संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है। यहाँ पर बताना है क्या सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यानी ए और आर कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए 11th का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, कथन है, विनिमय अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं के परस्पर आदान प्रदान को कहा जाता है, विनिमय अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं के परस्पर आदान प्रदान को कहा जाता है, कारण विनिमय किसी भी अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन, पूंजीवाद वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें संसाधन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, पूंजीवाद वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें संसाधन के साधन पर निजी स्वामित्व है, कारण या स्वतंत्र उद्यमिता की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है कथन, बाजार का प्रयोग उस स्थान से लगाया जाता है जहाँ पर वस्तु क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं, कारण यहाँ क्रेता और विक्रेता के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों ही सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन, समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियाँ राजकीय नियंत्रण के अधीन संचालित होती हैं, कारण इस अर्थव्यवस्था में संपूर्ण राष्ट्र के हित के आर्थिक हितों को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ये दोनों सही हैं पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अब कथन है, 2 कथन दिए गए हैं, इनमें बताना है क्या सही है क्या गलत। कथन जो फर्स्ट है वो कह रहा है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत को महत्व नहीं देता। ठीक है, कारण यह सत्ता संपत्ति तथा एकाधिकार के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, कथन जो फर्स्ट है वो सही है और जो सेकेंड है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जो इसमें उत्पादन तथा वितरण का कार्य केवल सरकार करती है। सेकेंड, इसमें महत्वपूर्ण साधनों पर सरकार नियंत्रण रखती है। थर्ड, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोषों से मुक्त है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है, तो इसमें से तीनों ही नहीं सही हैं। तो यहाँ पर 17th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग वाला है, तो मेलानोवस की आप सभी देख के पहचान जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 18th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मेलानोवस की गिम्बाली विनिमय हो जाएगा, मार्शल मॉस जनजातियों में विनिमय उपहार के संदर्भ में बात की, गांधी जी ने ट्रस्टशिप से संबंधित सिद्धांत दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सर्वोदय दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्न विचार करें। पहला,
जो है कथन सर्वोदय अर्थात सभी का उदय हो, सेकंड उत्पादन कार्यों में मशीनों के स्थान पर मानव के नियोजन पर बल, थर्ड कुटीर एवं लघु उद्योगों का समर्थन। तो यहाँ पर आपका 19 का क्या हो जाएगा, ये तीनों ही सही हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो धन है वह मानव आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, पूंजी उत्पादन पुनः उत्पादन में उपयोग हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक पूंजी, सामाजिक नेटवर्क, श्रम, आर्थिक प्रतिफल की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।